हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। और आज फाइनली एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आउट हो चुका है, ठीक है। तो मैं अभी बस क्लास में ही था हम लोग का, मैं अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव के हिसाब से आज अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, तो क्लास में था। मैंने चेक किया, दोस्तों बोला कि रिजल्ट आ गया है, तो मैंने अपना मतलब एडमिट कार्ड देखने गया कि क्या है मेरा रोल नंबर, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, पहले मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया और वहाँ पर नहीं मिला, तो मुझे लगा कि ठीक है यार, वैसे भी मैं ज्वाइन करने वाला नहीं था, ठीक है, ठीक है नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पे लिखा है रोल नंबर, ठीक है, और मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर सिलेक्ट किया था। तो उसके बाद मैंने फिर से रोल नंबर लेके कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट किया और फाइनली मेरा हो गया एसबीआई क्लर्क, ठीक है। जो कि मैंने जब एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था ना, मैंने भरा था छत्तीसगढ़ से, मैं हूँ उड़ीसा से, लेकिन मैंने फॉर्म भरा था छत्तीसगढ़ से। और ये एक सिंगल एग्जाम था जो मैं स्टार्टिंग से पूरा श्योर था कि मैं इसको निकाल दूंगा जैसे भी करके, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग से मुझे पता था कि जितना वैकेंसी है छत्तीसगढ़ में जनरल कैटेगरी में, उसमें से मेरा एक सीट पक्का था, जो कि मैं पूरा श्योर था एग्जाम फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। मैंने छत्तीसगढ़ भी इसलिए भरा था क्योंकि मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कुछ जॉब था नहीं और एग्जाम भी मतलब इतने अच्छे खासे कुछ जा नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, छत्तीसगढ़ में भरूंगा, पक्का होगा इसमें। हाँ, हालांकि मेंस देने के बाद थोड़ा मेरा इधर उधर हो गया था, मैं थोड़ा डाउट में था कि हाँ शायद ना हो सके, क्योंकि आपने मेरा मेंस का एग्जाम एनालिसिस वीडियो देखा हुआ, तो मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गया था, तो मैंने वहाँ पे बोला है, आप जाकर देख सकते हैं उसको। लेकिन उसके बाद जब आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट निकला और मेरा आईबीपीएस क्लर्क में हो गया है, ठीक है, मेरा बैंक ऑफ इंडिया हुआ है क्लर्क में, और मैंने उड़ीसा से भरा था और उड़ीसा में सबसे हाईएस्ट कटअप गया मेरा दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हो गया था। तभी जाके मुझे पता चला कि मैं थोड़ा मतलब और ज़्यादा श्योर हो गया कि हाँ एसबीआई क्लर्क होने वाला है, ठीक है। जो भी डाउट था मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस देने के बाद, तो मैं श्योर था कि मेरा हो गया हो जाने वाला है। तो 95% तो मुझे लग ही रहा था कि एसबीआई क्लर्क मेरा हो जाएगा। और उसके बाद आज जब मैंने पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लेके चेक किया तो नहीं हुआ, तो मुझे थोड़ा मतलब ऐसा लगा कि अरे मैं तो ये सोच रहा था होने वाला, मतलब हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, चलो स्कोर कार्ड आने के बाद पता चलेगा क्या क्या मैंने कहाँ पे गलती किया है, कितने मार्क्स आए, कितना कटअप गया। लेकिन मैंने उसके बाद फिर से रोल नंबर से चेक किया तो मेरा नंबर मुझे मिल गया, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पे। और बस वही था, फाइनली एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट भी आ गया। ये 2023 का सबसे लास्ट एग्जाम था। और अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो 2023 मैंने जनवरी में बोला था कि जनवरी 1 को जो हम लोग रिजोल्यूशन नहीं बोलते हैं, तो मैंने अपने व्हाट्सअप स्टेटस में मैंने दिया था कि 2023 में करके मैं जैसे भी करके जॉब लूँगा। तो मेरे मतलब पता भी नहीं चला यार, मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चला तीन एग्जाम क्लियर हो गए। हालांकि मैंने आईबीपीएसपीओ एसबीआईपीओ क्लियर नहीं कर पाया, मैं आईबीपीएसपीओ में मुझे मेंस में काफ़ी खराब मार्क्स आ गए, सिर्फ 3.75 मार्क्स से ज़्यादा लीड मिले मुझे। लेकिन इंटरव्यू इस बार अच्छा था और एसबीआईपीओ का तो मैंने प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाया। मैं ये एसबीआईपीओ का भी जब कटअप देखा ना, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर भाई एसबीआईपीओ का प्रीलिम्स अगर मैं क्लियर कर देता ना, तो मेंस तो मैं आराम से पार ही कर देता, इंटरव्यू तो दे देता आराम से एटलीस्ट। मैंने अभी तक बैंकिंग में मैंने 3 साल से प्रिपरेशन किया है, 2021 से लेके स्टार्ट किया था, और तब से मैंने 5 मेंस दिए हैं और मैंने खाली एक ही मेंस में फेल हुआ हूँ, जो कि है पहला। 6 मेंस दिया है, 6 मेंस में से खाली एक ही मेंस में फेल हुआ हूँ, जो कि पहला वाला है मेरा मेंस आईबीपीएसपीओ मेंस मैंने जो दिया था 2021 को। उसके बाद मैंने जितने भी सारे मेंस दिए सब मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। 2022 का आईबीपीएसपीओ का मेंस मेरा क्लियर हुआ था, 2023 का आईबीपीएसपीओ का मेंस क्लियर हुआ, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का मेंस क्लियर हुआ, एसबीआई क्लर्क का मेंस क्लियर हुआ, ठीक है। बस वही था। और मैं पता है, और जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मतलब पता नहीं यार क्यों सिर्फ 80-90% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ 10% लोग यार सब्सक्राइब किए हैं, करिए यार करिए। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ ना, अगर ये कोई लड़की होता ना भाई, आप सब्सक्राइब कर देते। ऐसा नहीं है कि आपको मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आपका मन है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगे तो कुछ भी बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हाँ, मैं ये बोल रहा था ना, मैं आज कल ही रात को वीडियो देखा था, एक है आदमी मतलब बोला था कि अरे एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट कब आएगा पता नहीं है, तो नहीं वो ऐसा बोला था, एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट कब आएगा पता नहीं है, आप आरआरबी पीओ क्लर्क भर दीजिए इस साल, हाँ हाँ उसके साथ साथ आप गाइड लिखा ये कोड भी ले लीजिए, मेरा कोड ले लीजिए, आपको मतलब इतना डिस्काउंट मिलेगा, प्रिपेयर करिए। मैं ये गाइड लिखा कोड बेचने के लिए नहीं वीडियो बनाया था, मैंने तो आपको बस ऐसे एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट मतलब ये वीडियो कल बनाया था, मैं आज इसको मिमिक करके वीडियो बनाने वाला था, ठीक है, शाम को। लेकिन आज ही रिजल्ट आ गया, तो मैं वीडियो में ये भी बोल दिया कि बस भाई था अभी और वो वीडियो नहीं आ सकते, ठीक है। जो एसबीआई क्लर्क के नाम पे जो व्यूज उठाते थे ना, कब आएगा रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट, वो तो आप अभी लोग कोई कुछ नहीं कर सकता। हालांकि मुझे लग रहा है कि अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा और एसबीआई क्लर्क उनका लास्ट होप रहा होगा और वहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है, और उनका क्लियर हुआ होगा एसबीआई क्लर्क, तो अभी आपको काफ़ी स्पेशल फील हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। जब मेरा पहला जॉब निकला था, मेरा पहला वाला जॉब निकला था वही एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया का जूनियर एग्जीक्यूटिव, और जो कि मैं 27 मार्च को रिजल्ट निकला था इसका, तब मैं समझ सकता हूँ वो मतलब एड्रेनालिन पर हाई था उस टाइम पे, ठीक है, मैं दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था। उसके बाद अप्रैल 1 में आईबीपीएसपीओ आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट निकला, आईबीपीएसपीओ में नहीं हुआ क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, 79 मार्क्स थे, लेकिन मेंस में मैंने काफ़ी घटिया किया था, मतलब मैथ्स में हक दिया था पूरा मैंने। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का क्लियर हो गया मेरा, और उसके बाद ये है, ठीक है, एसबीआई क्लर्क। और अब तो मैं बैंकिंग एग्जाम्स कुछ देने वाला नहीं हूँ, बाकी एसएससी सीजीएल का भी खाली फॉर्म भरूंगा इस बार, या फिर एसबीआईपीओ आईबीपीएस पे भी भरूंगा, ऐसे मत खाली जाके नहीं नहीं देने वाला कुछ मैं, और
बाकी आप लोग क्या कर, आपका क्या प्लान है, आपका रिजल्ट क्या रहा, आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों का भी नहीं हुआ ठीक है और वो इस साल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस सबसे गुजर चुका हूँ ठीक है। अभी आप लोग जो भी फील कर रहे हैं ना, मैं इस सबसे गुजर चुका हूँ ठीक है। मैं अभी ये बातें भी नहीं बोलूँगा कि नहीं आप मतलब पेशेंस रखिए, हो जाएगा आगे कुछ, बिल्कुल ये सब बातें मैं नहीं बोलने वाला ठीक है। ये सब मैं मानता हूँ कि बहुत किस्मत के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है, लेकिन मैं बस एक ही बात बोलूँगा कि आप देखिए आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं ठीक है। अभी आप कितने मार्क्स से अटक रहे हैं, आपका पोजीशन कहाँ पे, आप मतलब अच्छे मार्क्स ला पा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। तो आप अगर ऐसे स्टेज पे हैं ना, तो मैं बस एक बात बोलूँगा कि आप एक ना एक दिन निकाल देंगे ठीक है। इस बार वैकेंसी इस साल बहुत अच्छे अच्छे वैकेंसीज आ रहे हैं। आप एसएससी सीजीएल को देख लीजिए, आरआरबी पीओ को क्लर्क को देख लीजिए, भाई उड़ीसा में जबरदस्त वैकेंसीज आए उड़ीसा में इस बार। मैं 3 साल से आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क दिया, साला उस टाइम वैकेंसीज आ ही नहीं रहा था, लेकिन इस साल क्या मस्त वैकेंसीज आए हैं। तो बस मैं यही बोलता रहूँगा, आप अपना काम करते रहिए अच्छे से, ऊपर वाला है यार बहुत देखता है सब, वो अच्छे से रिवार्ड करेगा आप सबको ठीक है। और आप लोगों का क्या रिजल्ट है मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको चैनल करना अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पता है मैं लड़की नहीं हूँ इसलिए बहुत सारे सिंप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन चलता है जो भी सारे मतलब क्या बोलते हैं उसको, आकिर खान बोलता ना, सख्त लौंडा है भाई सब्सक्राइब कर लो, और जो भी सारे बहने हैं आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है। बस वही था, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।